हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखो पहले कैसे होता था, तुम लोगों का पेपर पैटर्न कैसा था कि नॉलेज बेस्ड था, मतलब कैसे रट्टा मारो और पेपर कर जाओ, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे नहीं होता। अभी कैसे होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे तुम लोगों का पेपर पैटर्न होता है। मतलब अगर तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो तुम लोग पेपर बरोबर बराबर सॉल्व कर सकते हो, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट विथ साइंस 2 चैप्टर 5th, ओके, दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अभी ये जो चैप्टर है तुम लोगों का साइंस 2 जो है उसमें बायोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंस ऐसे चैप्टर है तुम लोगों को साइंस 2 में, ओके। उसमें से जो 5th चैप्टर है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी आज हम स्टडी करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न 3 कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है, पहला वाला जो है वो है यूज ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस। देन सेकंड वाला जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड लास्ट जो है थर्ड वाला जो है वो है प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, ये भी हमें क्या करना है, चैप्टर में पढ़ना है, ओके। स्टार्ट करते हैं कैन यू रिकॉल से। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, व्हाट इज एनर्जी। अभी देखो ये तुम लोगों ने एनर्जी जो है ये तुम लोगों ने 9th चैप्टर में पढ़ा है। तो एनर्जी मतलब क्या, क्या होता है एनर्जी, मतलब क्या होगा एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ओके, सिंपल है। क्या है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म द वर्क, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी। मतलब देखो जिसके पास एनर्जी है वही क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। दैट मींस कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी, ओके। अभी देखो इफ एन ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डूइंग वर्क, देन एनर्जी ऑर्गेनिज्म यूजेस एनर्जी। मतलब कौन वर्क कर सकता है, जिसके पास एनर्जी है वही क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। अभी देखो एक पिक्चर दिख रहा है तुम लोगों को जो है प्लांट का पिक्चर। अभी प्लांट का और एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ये तुम लोगों को मालूम है। प्लांट को ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। अभी देखो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी मिलती है उनको सनलाइट से मिलती है, ओके। दैट मीन्स विदाउट सनलाइट, दैट इज सोलर एनर्जी, प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब प्लांट को भी सोलर एनर्जी चाहिए, क्या के लिए, दैट इज फॉर सिंथेसिस देयर ओन फूड। और कौन से प्रोसेस से वो फोटोसिंथेसिस, कौन से प्रोसेस से वो करते हैं, दैट इज द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। अभी देखो एनर्जी के डिफरेंट टाइप भी तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। देयर आर मेन टू टाइप ऑफ द एनर्जी। फर्स्ट वाला है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब दैट इज एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू इट्स मोशन, जो मोशन से मिलती है। फॉर एग्जांपल फ्लोइंग ऑफ वाटर, वाटर फ्लो हो रहा है तो उस वाटर में कोई जो एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, ओके। और दूसरा जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, देखो एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू इट्स स्टेट और शेप। अगर हमने एक स्प्रिंग लिया और उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, तो उस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ओके। दैट मींस देयर आर टू टाइप ऑफ द एनर्जी, फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट फॉर्म पूछे गए हैं एनर्जी के, तो कौन से फॉर्म है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो पहला जो है वो है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी भी है, मैकेनिकल एनर्जी, इसके अलावा भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो तुम लोगों को मालूम है, और इसकी स्टडी तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में की हुई है, ओके। देन अभी देखो लेट डिस्कस में क्या है, इसमें है एक लिस्ट बनाना है, दैट इज मेक अ लिस्ट। काय की लिस्ट बनाना है हमें, दैट इज व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी डू वी यूज टू डू दिस वर्क। मतलब हमें वर्क करने के लिए किस टाइप की एनर्जी चाहिए डेली लाइफ में, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज हीट एनर्जी इज यूज टू कुक फूड। हमें फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, हमें हीट एनर्जी चाहिए होती है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज
फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है हमारे घर में, बल्ब है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, जो भी है, ओके, ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। अब इनको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। वैसे ही साउंड एनर्जी जनरेटेड, मैं जो बात कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, ओके, अभी साउंड एनर्जी जनरेटेड यूजिंग द केमिकल एनर्जी स्टोर इन द बॉडी वाइल स्पीकिंग, मैं जो बात कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, ये क्यों बोल रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए बॉडी में, दैट इज द केमिकल एनर्जी, ओके। अभी ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देन अभी एनर्जी एंड यूज ऑफ द एनर्जी, अभी ये क्या है, okay? अभी देखो इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, जैसे हमारे जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड कौन से, हमारे फूड है, शेल्टर है, ओके, जैसे बेसिक नीड है, वैसे ही मॉडर्न सिविलाइजेशन में एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड। अब ये एनर्जी भी हमारी प्राइमरी नीड बन गई है, अलोंग विद कौन से, दैट इज द फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के साथ। ये तो हमारी बेसिक नीड है ही, लेकिन इसके साथ बेसिक नीड कौन सी हो गई हमारी, दैट इज द एनर्जी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी नीड। देखो अगर लाइट ऑफ हो गए, लाइन चली गई, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, हमारे जो काम होते हैं वो थोड़ा सा उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट मीन्स इसलिए हम एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए बोला गया है कि दैट इज एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विद फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ओके। वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी के लिए एनर्जी क्यों चाहिए, वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की एनर्जी हमें चाहिए, ओके, जैसे फूड में से भी हमें एनर्जी मिलती है, ओके, कौन से फॉर्म में एनर्जी मिलती है हमें, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो तुम लोगों ने पढ़ा है, ओके, वी गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम फूड, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए तो फूड को क्या बोला गया, फूड एक्ट एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, है ना, दैट इज वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क के एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ओके, और जो एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है। देन एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम मैकेनिकल फॉर्म में भी एनर्जी यूज करते हैं, मैकेनिकल फॉर्म की एनर्जी भी यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी भी यूज करते हैं, साउंड एनर्जी भी यूज करते हैं हम, ओके, लाइट एनर्जी भी यूज करते हैं, एंड हीट एनर्जी, ये सभी एनर्जी हम की जरूरत हमें पड़ती है डे टू डे लाइफ में। देन अभी हम स्टार्टिंग से एनर्जी 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 बात कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है, ओके, देखो एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म फॉर्म एनर्जी, ओके, ये डिफरेंट फॉर्म जो है, हमने देखा है कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन एनर्जी आती कहाँ से है, एनर्जी किसी शॉप में नहीं मिलती, तो एनर्जी आती कहाँ से है, दैट इज देखो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मतलब क्या, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, दैट मीन्स एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, दैट मीन्स एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, क्रिएट भी नहीं होती, सिंपली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब क्या, जब हम फैन चलाते हैं या लाइट लगाते हैं, तो देखो लाइट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तब क्या होती है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ओके, हमें लाइट लगाने के बाद लाइट मिलते है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन करने होगा लाइट एनर्जी में, दैट मीन्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर कन्वर्टर, कुछ तुम लोगों ने दिवाली में तुम फटाके जलाते हो, तो क्या होता है, उसमें से जो केमिकल एनर्जी होती है, वो फटाके में जो केमिकल फायर क्रैकर्स में जो केमिकल एनर्जी होती है, दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, है ना, जब फटाके जलते हैं तो हमें लाइट दिखता है, साउंड सुनाई आता है और हीट भी उसमें से निकलते है, दैट मीन्स दिस एनर्जी, देखो एनर्जी ट्रांसफर हुई ना, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, दैट मीन्स इसीलिए बोला गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। देन अभी देखो हमें एक टेबल तैयार करना है, मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग डिवाइस, मतलब क्या, एक टेबल हमें तैयार करना है, तो एक टेबल में देखो डिवाइस दिखने हमें, और वो जो डिवाइस है वो कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में टर्न करता है ये दिखना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं मोटर या फैन का। अब देखो फैन आप जब लगाएंगे तो हमें कौन सी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें चाहिए, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काहे में कन्वर्ट करेगा, वो करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, दैट मींस मोटर या फैन कन्वर्ट्स दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके ना, देन दूसरा जो है, दूसरा डिवाइस लेते हैं हम जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, तुम लोगों ने जनरेटर के बारे में सुना होगा। जब देखो बड़े बड़े जो ये होते हैं सिनेमा थिएटर वगैरह होते हैं, अगर लाइन चली गई तो वो जनरेटर ऑन करते हैं। अब ये जनरेटर क्या करता है, अब ये जनरेटर के बारे में तुम लोगों ने साइंस वन का जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है, जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा है। मोटर भी पढ़ी है, मोटर के बारे में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, जनरेटर के बारे में भी पढ़ा है। अब जनरेटर क्या करता है, दिस जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देन सोलर सेल क्या करता है, अब ये सोलर सेल भी तुम लोगों को मालूम है। ये जो सोलर सेल है, ये सोलर सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट, ये क्या करेगा, ये सोलर सेल क्या करेगा, ये सोलर सेल देखो मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट की, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, वैसे ही जनरेटर में, जनरेटर ने एकदम एग्जैक्ट अपोजिट किया। जनरेटर ने क्या किया, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। अभी सोलर सेल क्या करेगा, तो सोलर सेल क्या करेगा, दैट इज सोलर सेल को क्या चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। ओके, सोलर सेल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देन फोर्थ वाला डिवाइस है बल्ब। अब सिंपल, बल्ब क्या करेगा, कौन सी एनर्जी लेगा, वो लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, सिंपल है। ओके, उसके बाद हम डिवाइस लेते हैं लाउड स्पीकर। ओके, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड। देखो लाउड स्पीकर से हमें साउंड सुने आता है ना, अगर दैट मीन्स लाउड स्पीकर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। और लास्ट वाला हमने डिवाइस लिया है वो है हीटर। अब हीटर क्या करता है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, लेकिन बाद में फॉर एग्जांपल हीटर का हीटर है या टोस्टर है, ओके, ये क्या करता है, आयरन, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है, लेकिन बाद में कन्वर्ट करने करता है, दैट इज हीट एनर्जी में। दैट मीन्स ऑल द डिवाइस व्हिच यूज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया इन डिवाइस ने। ओके, देन वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, मतलब अभी देखो हमने जो टेबल किया ना उसके ऊपर से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, दैट मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, कन्वर्ट होती है। अब तुम लोगों ने एक छोटा सा जो गेम है, तुम लोगों ने जब बचपन में ये खेला हो ना, जैसे एक लेंस लेना और एक कागज पे बाहर बैठ के सनलाइट में इसको जलाना, दैट मींस इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू इट, है ना। हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से वो हीट यहाँ जनरेट होती है, मतलब क्या, यहाँ कौन सी एनर्जी फैन में ट्रांसफर हो रही, लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू हीट। ओके, देन अभी देखो ये जो है डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज, अभी अलग अलग सोर्स होते हैं एनर्जी के, कहाँ से आती है एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी हमने पढ़ा है कि मैंने तुम लोगों को बताया कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए उनके पास देखो क्लोरोफिल नाम की ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है। ओके, अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, टू एब्सॉर्ब द सनलाइट, जो सनलाइट होता है सोलर एनर्जी उसको एब्सॉर्ब करना और केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना, केमिकल एनर्जी मतलब उनका फूड। ओके, वैसे ही हम क्या करते हैं, बाय यूज ऑफ दिस सोलर एनर्जी, सोलर पैनल क्या करता है, दिस सनलाइट ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। दैट मीन डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू, मतलब हमें जो चाहिए उसके लिए हम डिफरेंट सोर्स क्या करते हैं, एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट द एनर्जी, तुम लोगों ने ये 9th स्टैंडर्ड में एनर्जी के बारे में पढ़ा है। डिफरेंट सोर्स भी होते हैं, मेन जो सोर्स है पहला है नॉन रिन्यूएबल सोर्स और दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स। अभी मुझे बताओ नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब क्या, नॉन रिन्यूएबल मतलब
उसमें उसका मीनिंग छुपा है, दैट मींस एक बार अगर उसको यूज किया तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, दैट मींस नॉट एबल टू बी न्यू अगेन. फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या रहेगा, दैट इज कोल रहेगा, दैट इज नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल यूरेनियम है. एक बार इसका यूज हमने कर लिया तो ये बार बार हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डाला गया. ये सोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. दूसरा क्या है, रिन्यूएबल्स एनर्जी. अब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या, दिस सोर्स आर यूज अगेन एंड अगेन, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, देन विंड एनर्जी भी है, ओके, देन हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से भी एनर्जी मिलती है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले चैप्टर में. टाइडल एनर्जी भी है, मतलब जो समुंदर की जो लहरें होती है ना, टाइड, उससे भी एनर्जी मिलती है. बायोमास एनर्जी भी है, मतलब जो बायोमास होता है, जो रेसिड्यूज है प्लांट एंड एनिमल का, उससे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. तुम लोगों ने बायोगैस पढ़ा होगा ना, बायोगैस में जो होते हैं उसमें से जो गैस निकलता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. एंड वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू दम, इस पूरा कंसेप्ट मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी का जो ये है, ये पूरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. मतलब नॉन रिन्यूएबल भी पढ़ेंगे हम और रिन्यूएबल भी सोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, देन हियर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सोर्सेस नाउ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन कौन से सोर्स यूज किए जाते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए. देन कौन सी मेथड यूज की जाती है, मतलब सोर्स तो रहेंगे लेकिन कौन से मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएंगी. अब कौन से प्रिंसिपल पे वर्क, वो वर्क करेंगे. अब प्रिंसिपल मतलब क्या, हम आगे पढ़ेंगे. देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अभी जो अलग अलग सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या होंगे और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर करेगा, पॉजिटिव रहेगा या पोल्यूशन क्रिएट करेगा, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है. और एक जो कंसेप्ट है दैट इज ग्रीन एनर्जी के बारे में भी हमें पढ़ना है. अब ग्रीन एनर्जी मतलब क्या, तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ख्याल में रखना कि ये जो चैप्टर है ना बहुत ईजी है, एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड तो मैंने पहले बताया, और ईजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है. देन अभी देखो, कैन यू रिकॉल, में तुम लोगों को दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल है. व्हाट डू यू, वेयर डू वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अवर डे टू डे लाइफ, कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं. सिंपल है, देखो मैकेनिकल है ना, मतलब ड्रायर में ड्रायर चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. हमारी आयरन अगर प्रेस करना है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. हमारा म्यूजिक सिस्टम लगाना है हमें तो भी, और लाइट एनर्जी मतलब टीवी या बल्ब लगाना है तो भी हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. सिंपल है इसका आंसर जो है, तो हम ड्रायर, आयन, बल्ब, टीवी कुछ भी लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस. अब देखो ये आते कहाँ से है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम तो पढ़ रहे हैं कि पहले तो हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी कहाँ से, तो ये जो आती है ना ये जनरेटर से आती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन जनरेटर, और ये जो पिक्चर देख रहा है ये है जनरेटर का पिक्चर. तुम लोगों ने, मैंने पहले भी बताया कि ये जो है मोटर और जनरेटर, तुम लोगों ने साइंस वन के फोजो, साइंस वन जो है उसमें जो फोर्थ नंबर वाला चैप्टर है, फोर्थ नंबर वाला जो चैप्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मोटर और जनरेटर की पढ़ाई तुम लोगों ने की है. ओके, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो हमारा जनरेटर है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे.